Hello students, in this video I will teach you chapter number 5 from English Reader. The name of the chapter is The Strange Medicine. I will read the chapter line by line and explain it to you like I always do. And further, in case you have doubts or if there is anything you don't understand, you can ask from me. Please open your book and read along with me so that you understand in a better way. चैप्टर 5 को भी मैं उसी तरीके से पढ़ाऊंगी जैसे मैंने बाकी चैप्टर्स पढ़ाए हैं। पहले मैं इंग्लिश में रीड करके समझाऊंगी, उसके बाद हिंदी में। आप बुक्स खोल ले और साथ साथ रीड करें ताकि आपको समझने में आसानी होगी। आई विल नाउ स्टार्ट बाई रीडिंग द चैप्टर लाइन बाई लाइन एंड एक्सप्लेनिंग इट टू यू। द रॉयल प्रोक्लेमर बीट्स द ओल्ड टॉम टॉम टू मेक एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। द किंग इज इल, द पर्सन हु क्योर्स हिम विल गेट अ रिवॉर्ड। So there are two characters that have been introduced. One is the royal proclaimer. Who is a proclaimer? Proclaimer is a person who publicly tells people about something that is important. So he beats the old tom-tom. Tom-tom is a drum and he beats it every time he has to make an announcement. And he made an announcement. The announcement was that the king is ill and the person who is going to cure him, who is going to make sure that he is fine after giving him the correct treatment, will get a reward. Reward means a gift, a money prize. तो इस स्टोरी में जो फर्स्ट कैरेक्टर इंट्रोड्यूस्ड है वो है एक रॉयल प्रोक्लेमर। प्रोक्लेमर कौन होते हैं? वो इंसान जो पब्लिकली लोगों को एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं। और उसने कैसे दिया था इन्फॉर्मेशन? उसके पास एक पुराना ड्रम था, उस ड्रम को बजाया और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लोगों को दी कि जो राजा है, जो किंग है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो जो भी इंसान उनको सही दवाई देकर ठीक कर देगा उनको एक रिवॉर्ड मिलेगा। रिवॉर्ड एक प्राइज अमाउंट है, उसे पैसे दिए जाएंगे एज अ गिफ्ट। वाई सच एन अनाउंसमेंट? ऑफकोर्स देर इज़ अ रीज़न फॉर इट। द किंग ऑफ समयपुर इज इल, इट इज़ नॉट एट ऑल एन ऑर्डिनरी इलनेस। सो ओवर हियर पीपल आर वंडरिंग वाई इज दिस अनाउंसमेंट बीइंग मेड। ऑफकोर्स देर इज़ एन इम्पॉर्टेंट रीज़न टू इट एंड द रीज़न इज़ दैट द किंग ऑफ समयपुर इज़ नॉट वेल एंड द इलनेस इज़ नॉट कॉमन, इट इज़ नॉट ऑर्डिनरी। तो अब बताया जाता है कि ये अनाउंसमेंट क्यों हो रहा है, लोगों को क्यों बताया जा रहा है। इसका एक रीज़न है और रीज़न ये है कि ये जो किंग है ये समयपुर के राजा है, तो इनकी तबीयत ठीक नहीं है और इनको जो प्रॉब्लम हुई है वो कॉमन नहीं है, वो थोड़ी सी अलग है। इट इज़ एन इलनेस द मेडिसिन फॉर विच इज़ नॉट इवन नोन टू द रॉयल फिजिशियन। ओइंग टू दिस इलनेस द किंग हैज़ बिकम नॉट थिन बट फैट। सो बिकॉज ऑफ दिस इलनेस द किंग हैज़ actually gained weight, he did not lose it, and the problem is that the medicine for this illness is not in knowledge of the royal physician. Physician is the man who gives medicines so that the problem is cured. तो अब ये जो इलनेस है इसे अलग क्यों बोलते हैं, ये ऑर्डिनरी क्यों नहीं है? क्योंकि इस इलनेस की वजह से जो राजा थे वो पतले होने के जगह मोटे हो गए हैं और वहाँ पे जो रॉयल फिजिशियन है, फिजिशियन वो इंसान जो दवाइयाँ देता है ताकि वो प्रॉब्लम ठीक हो जाए, उसे भी नहीं पता कि इस प्रॉब्लम की दवाई क्या है। Now the king can only sit when he is made to sit by the royal attendants and can lie down when he is helped to do so. The question of walking does not arise at all. So because of the illness, the king cannot sit or sleep by himself. Walking is a far off question. तो ये जो बीमारी हुई है किंग को, राजा को, इसका ये प्रॉब्लम है कि किंग खुद से बैठ नहीं सकता या लेट भी नहीं सकता, उन्हें सेवकों की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे लिखा है रॉयल अटेंडेंट्स, अटेंडेंट्स मतलब सेवक। क्योंकि उन्हें बस बैठने और लेटने तक के लिए किसी की हेल्प चाहिए, तो वॉक करना, चलना तो दूर की बात है। इट इज़ बाई ओवर ईटिंग एंड नॉट एक्सरसाइजिंग दैट द किंग हैज़ अर्नड हिज प्रेजेंट फिजिकल कंडीशन। सो बिकॉज द किंग हैज़ बीन ईटिंग अलॉट एंड नॉट एक्सरसाइजिंग दैट इज़ वाई ही इज़ बिकमिंग फैट। क्योंकि राजा बस खाते रहता है और एक्सरसाइज नहीं करता है, इसीलिए उनका अभी जो कंडीशन है, उनकी अभी जो हालत है वो ऐसी हो चुकी है। बीटिंग द टॉम टॉम एंड मेकिंग अनाउंसमेंट्स वर डन अर्लियर टू बट नथिंग हैपेंड। फिजिशियंस केम एंड वेंट टेकिंग अवे फैट फीस।
So the announcements were regularly made and physicians also came, but there was no cure and they had only taken a lot of money for the treatment. ड्रम्स बजाए जा रहे थे, लोगों को बताया जा रहा था कि राजा की तबीयत ठीक नहीं है, और ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स नहीं आ रहे थे उन्हें चेक करने के लिए, वो आते लेकिन फिर चले जाते, और हर बारी ट्रीटमेंट के लिए जो पैसे लेते हैं काफ़ी ज़्यादा ले लेते थे, ये सोच के कि ये तो राजा है, इससे हम ज़्यादा पैसे ले सकते हैं. Now, beating of the tom-tom has become a regular activity in the kingdom. A poor farmer, Suresh, also hears the announcement. Suresh is hardworking and intelligent. So again, announcements were made regularly and the drums were beaten regularly. It became more of an activity in the kingdom. There was a farmer, a poor farmer. His name was Suresh. Even he had heard the announcement. He was hardworking and intelligent. ड्रम बजाना और लोगों को बताना, अनाउंसमेंट्स करना, ये किंगडम में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था. और ये जो अनाउंसमेंट था ये एक फार्मर ने सुनी थी. फार्मर का नाम था सुरेश और वो बहुत ही इंटेलिजेंट था, बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी था और बहुत ही ज़्यादा मेहनती भी. He somehow understands the real cause of the king's illness. He chalks out a plan and prepares to cure the king. So Suresh had already understood why the king is suffering from this illness. So he made a plan so that the king is cured from this illness. Suresh ko samajh aa gaya tha ki king ko ye problem kaise ho rahi hai, to usne ek plan banaya taki king theek ho jaye. He stops shaving his moustache and beard. When his uncut beard and moustache grow long, he goes straight to the royal court. So Suresh had stopped shaving, and once the beard and moustache had grown, he directly went to the royal court. Suresh ne moochhi aur daadi katana band kar diya tha, aur jaise hi wo lambe ho gaye the, bahut zyada badh gaye the, wo seedha royal court raja ke paas chala gaya tha. Now he looks like an experienced doctor. After saluting, he says, "Your Excellency, I have come here after knowing everything. I am not an ordinary doctor. You may call me the king of doctors." So after he reached there, he had saluted the king and he told him that he has a lot of knowledge and he is the king of doctors. दाढ़ी और मूछ बढ़ाने के बाद वो एक एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर लगने लगा. एक्सपीरियंस्ड वो डॉक्टर जो बहुत सालों से काम कर रहा है. तो वो जैसे ही राजा के दरबार में पहुंचा, उसने उन्हें सल्यूट किया और उसके बाद उसने कहा कि मैं यहाँ पे आया हूँ सब कुछ जानने के बाद कि आपको क्या प्रॉब्लम है. मैं एक ऑर्डिनरी, एक मामूली डॉक्टर नहीं हूँ. आप मुझे किंग ऑफ डॉक्टर्स बुला सकते हैं. किंग ऑफ डॉक्टर्स मतलब सबसे इंटेलिजेंट डॉक्टर. उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई हो ही नहीं सकता. द किंग अलाउज हिम टू स्टार्ट ट्रीटिंग हिम. सुरेश बाउज बिफोर द किंग एंड सेज, माई लॉर्ड, देर इज़ वन कंडीशन. यू हैव टू डू वॉट आई टेल यू टू डू, अदरवाइज माई मेडिसिन विल नॉट वर्क. सो द किंग हैड गिवन हिम द परमिशन टू डू द ट्रीटमेंट एंड फर्दर ही मेक्स अ रिक्वेस्ट. Suresh makes a request that the king has to do whatever has been told. He cannot back off, otherwise the treatment, the medicine will not work. तो किंग ने उसे परमिशन दे दी कि सुरेश उनकी ट्रीटमेंट शुरू कर सकता है. पर शुरू करने से पहले सुरेश ने किंग को यही कहा कि एक ही कंडीशन पर वो ये ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, अगर किंग वही करेगा जैसा जैसा सुरेश बोले, क्योंकि वरना वो जो मेडिसिन है, वो जो दवाई है, वो काम नहीं करेगी. देर इज़ नो अदर ऑल्टरनेटिव बट टू एक्सेप्ट सुरेश's कंडीशन. सुरेश देन टेल्स द किंग वॉट इज़ टू बी डन. इट इज़ एज सिंपल एज टू प्लक 5 नीम लीव्स एवरी मॉर्निंग फ्रॉम अ पर्टिक्युलर ट्री. सो द King did not have any option. He had to accept Suresh's condition. What Suresh tells him to do is that every day he is going to pluck 5 neem leaves from a particular tree. राजा के पास और कोई ऑप्शन नहीं था. उन्हें सुनना ही पड़ता, सुरेश की जो कंडीशन है उसे मानना ही पड़ता. उसके बाद सुरेश ने ट्रीटमेंट शुरू करा. सुरेश ने राजा को ये बोला कि आप हर रोज़ एक ही पेड़ से 5 नीम के पत्ते तोड़ोगे. This tree stands about 500 steps away from the main gate of the palace. There is another point to be kept in mind. One and only one neem leaf is to be plucked at a time and is to be brought back to the main gate of the palace and chewed. राजा का जो महल है वहाँ से आगे 500 कदम एक पेड़ है नीम का. सुरेश ने उन्हें ये कहा है
कि वो जाएंगे और वहाँ से नीम का पत्ता तोड़ कर लाएंगे और उसे खाएंगे। पर इसमें कंडीशन क्या थी कि वो जाएंगे, उस एक बार में एक ही पत्ता तोड़ेंगे, वापस अपने पैलेस आएंगे, उसे खाएंगे, फिर वापस जाके तोड़ेंगे। ऐसे रोज़ 5 पत्ते उन्हें तोड़ने हैं, मतलब 5 राउंड लगाएंगे वो अपने पैलेस से उस पेड़ तक और फिर पेड़ से वापस पैलेस। इन दिस फैशन 5 नीम लीव्स आर टू बी प्लग्ड एंड च्यूड डेली फॉर 30 डेज विदाउट एनी ब्रेक इन बिटवीन। दिस हैज़ टू बी परफॉर्म्ड बाई द किंग हिमसेल्फ एंड नॉट बाई एनीवन एल्स। सो दिस प्रोसेस इज गोइंग टू कंटिन्यू फॉर 30 डेज एंड द किंग कैनॉट टेक एनीबडी एल्सेस हेल्प, ही हैज़ टू डू इट हिमसेल्फ अलोन। तो ये काम 30 डेज तक किंग को रोज़ करना था, वो किसी और का हेल्प नहीं ले सकते थे। उन्हें जाना था, एक नीम का पत्ता तोड़ के लाना था, उसे खाना था, फिर वापस जाना था। ये 30 डेज तक उनको रोज़ करना है, वो एक भी दिन छोड़ नहीं सकते। टू सेव हिज लाइफ द किंग स्टार्ट्स फॉलोइंग सुरेश's एडवाइस, बट इट इज़ टू डिफिकल्ट फॉर द किंग टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस इन टोटो। So the king had thought that he is going to start to follow whatever Suresh had told, but it was very difficult for him to follow all the instructions given by Suresh. तो किंग ने शुरू करा, सुरेश ने जो जो बोला था वो करना, पर उनके लिए बहुत मुश्किल था कि जैसा सुरेश ने इंस्ट्रक्शंस दिया है, जैसे उस काम को करने के लिए बताया गया है, उसे फॉलो करना। On the very first day, he somehow walks down to the neem tree, but not without the help of a dozen royal attendants, and pulls down a leaf. After coming back to the main gate of the palace, he sleeps for the whole day. तो पहले दिन जब किंग ने वॉक करना शुरू करा, वो अकेले नहीं गए, वो अपने साथ 12 सेवकों को लेकर गए थे। A dozen मतलब 12 लोग। वो 12 सेवकों को लेकर गए, जाकर जब तक उन्होंने नीम का पत्ता तोड़कर वापस अपने पैलेस आए, पहले राउंड में ही वो थक गए थे, उसके बाद वो वापस गए नहीं, फिर वो पूरे दिन अपने पैलेस में सोते रहे। देन नेक्स्ट डे सुरेश कम्स एंड गेट्स द रिपोर्ट। हाउएवर ही एनकरेजेस द किंग टू कंटिन्यू द ट्रीटमेंट। द सेम इंसिडेंट इज रिपीटेड द फॉलोइंग डे। सो द नेक्स्ट डे सुरेश हैड कम टू चेक इफ द राजा इफ द किंग हैड फॉलोड द इंस्ट्रक्शंस एंड ही हैड ऑल्सो एनकरेज्ड हिम मोटिवेटेड हिम सो दैट ही कैन कंटिन्यू। बट द सेम इंसिडेंट हैड हैपेंड ऑन द सेकेंड डे ऑल्सो। दूसरे दिन सुरेश आता है ये देखने के लिए, राजा से पूछने के लिए कि उन्होंने सारे दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया या नहीं। उन्हें पता चलता है कि सच्चाई क्या थी, तो उन्हें हौसला दिया जाता है ताकि वो अपने ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करे और जल्दी से ठीक हो जाए। तो दूसरे दिन भी राजा ने कोशिश करी, पर वही बात हो गई, जैसा पहले दिन हुआ था वैसा ही दूसरे दिन भी हुआ उनके साथ। वो थक गए थे एक ही राउंड में और वो सो गए पूरे दिन। फिर As days pass, the king finds that he is able to walk up to the tree on his own. Then he realizes that he is not so tired after returning from the tree. He now enjoys the walk to the tree and back from it. So gradually the king had gotten used to the process and he did not need anybody's help and he had also started enjoying the walk. तो जैसे जैसे दिन निकलते गए, किंग को ये रियलाइज़ हुआ कि वो अब अकेले ही नीम के पेड़ तक जाकर वापस आ सकता है, उन्हें अपने सेवकों की मदद की ज़रूरत ही नहीं है। और उसके बाद उन्हें ये भी रियलाइज़ होता है, उन्हें ये महसूस होता है कि अब वो उतना थकते भी नहीं है जितना वो पहले थक जाते थे एक ही राउंड में, और अब उन्हें मज़ा आता है ट्री तक वॉक करके वापस आने में। After 15 days, the king feels much better. He appears to be somewhat slim. What a surprise! At the end of 13 days, the king can not only sit and stand up all by himself, but also walk. So after 15 days, the king had already felt that he has lost weight. But after the end of 30 days, the king does not need support now. He can stand and sit by himself and he can also walk. तो जब 15 दिन तक किंग ने लगातार वॉक किया, उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उनका वेट कम हो चुका है, वो अब उतने मोटे नहीं रहे। ये एक उनके लिए सरप्राइज़ था, वो बहुत खुश हो गए थे ये देखकर। पर जैसे ही 30 दिन ख़त्म हुए
अब किंग क्या है, 30 डेज के बाद वो बिना किसी मदद के खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं और अब तो वो अकेले वॉक भी कर सकते हैं, उन्हें किसी की मदद की ज़रूरत ही नहीं है। ही इज़ हैप्पी दैट सुरेश हैज़ मेड हिम रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज एंड द इल्स ऑफ ओवर ईटिंग। अब वो खुश है क्योंकि सुरेश ने उनको ये बात समझाया है कि खाली हमें बैठकर खाना ही नहीं चाहिए पर हमें एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। As promised, the king gives a bag full of diamonds and jewelry to Suresh. तो जैसा promise किया गया था, राजा बहुत खुश हो गए थे क्योंकि अब उनकी वो बीमारी चली गई थी, तो उन्होंने सुरेश को एक बैग भर के diamonds और बहुत सारे गहने दिए। सुरेश returns home, a rich and famous man. Everyone in the village is happy. सुरेश वापस घर पहुँचता है, अब वो बहुत अमीर हो चुका है और सब लोग उनको जानने भी लग गए और Everyone in the village is very happy. Village में जितने भी लोग थे सब बहुत खुश है। So the message that we get from this story is exercise is very important for our health. इस story से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि exercise हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। So that's it for the chapter and the video. Everything has been explained. If there is anything you did not understand, you can clear your doubts and ask me. पूरा chapter ख़त्म हो चुका है, video भी अब मैं इधर ही ख़त्म करूँगी। I hope आप सबको समझ आ गया हो। अभी भी अगर आपको कुछ नहीं समझ आया हो या फिर आपको कोई doubt हो, आप मुझसे clear कर सकते हैं। Thank you so much for your patience, all of you.